दूर्वा घास भगवान गणेश के साथ साथ भगवान भोले बाबा पर भी ये अर्पित की जाती है। यदि आप नहीं जानते हैं कि इसके क्या फल होते हैं, क्या परिणाम होते हैं जिनके कारण भगवान गणेश के साथ साथ भोले बाबा पर भी ये अर्पित की जाती है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। यह एक ऐसी घास होती है बहुत ही सहजता से हमें मिल जाती है, हर जगह ये उपलब्ध होती है और इसमें जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, आयुर्वेदिक गुणों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत सारे रोगों को ये ठीक करने में उपयोग में भी लाई जाती है। वहीं पर हम बात करें धार्मिक दृष्टि की, तो भगवान गणेश के लिए ये अर्पित की जाती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं और विघ्नों को हरने वाले होते हैं। भगवान गणेश को जब भी आप दूर्वा घास अर्पित करें तो इनके चरणों में नहीं रखना चाहिए बल्कि इनके मस्तक पर रखना चाहिए, और जब भी आप करें तो इनकी दो गुच्छियां बना लें और इनके मस्तक के आसपास ही इनको अर्पित करें। वहीं पर बात करें हम भगवान भोले बाबा की, तो शिवलिंग पर जब भी आप अर्पित करते हैं तो इससे व्यक्ति की जो शारीरिक समस्या है, बहुत दिनों से या बड़ी कोई लंबी बीमारी से आप परेशान है, अग्रसित है, तो वो सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो जाती है, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो भगवान गणेश के साथ साथ भोले बाबा पर यदि आप शिवलिंग पर यदि ये अर्पित करते हैं तो इससे अकाल मृत्यु का जो भय है वो भय नहीं होता है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा मृत्यु का डर लगा होता है या शारीरिक कष्टों से वो परेशान रहते हैं, तो ये सारी चीजें उनके शरीर से, तन मन से, हृदय से निकलकर दूर हो जाती है, ऐसा माना जाता है कि जो घास होती है इसे अमृत का वरदान प्राप्त है, इसीलिए भगवान शिव पर यह जरूर अर्पित करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।